वेलकम बैक टू आवर चैनल एमडीके व्लॉग। आज हम लोग लेकर आए हैं जगन्नाथ पुरी धाम का फुल टूर गाइड, साथ में साइट सीन की डिटेल्स। हमारे लास्ट व्लॉग था नंदनकानन। नंदनकानन में आप कैसे जाएंगे पुरी घूमने गए, तो सारे डिटेल्स आज के वीडियो में है। नंदनकानन के साथ साथ इधर उदयगिरी, खंडगिरी, धवलगिरी बहुत सारा साइट सीन है और कोणार्क के सन टेम्पल तो बहुत ही फेमस है। सारे जगह छोड़ के भी इधर चिल्का लेक है जो बहुत ही फेमस है। चिल्का इज अ लार्जेस्ट ब्रैकिश लगून ऑफ एशिया, सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून ऑफ वर्ल्ड। तो अभी बताते हैं आप लोग टूर प्लान कैसे करेंगे। मैं आप लोगों का फर्स्ट चॉइस होना चाहिए ओटीडीसी बस, जिधर आपका दो टूर प्लान मिलेगा, एक चिल्का के लिए और एक बाकी सारे साइट सीन के लिए। अगर आप लोग ऐसे साइट सीन के पैकेज बुक करेंगे तो इसमें सारे साइट सीन कवर हो जाएगा, और साथ ही साथ में पैकेज में क्या इंक्लूडेड है, क्या एक्सक्लूडेड है, टाइम क्या है, सारे डिटेल्स आपको जानने के लिए सारे डिटेल्स आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। इधर दो टूर पैकेज है, एक में आपको चिल्का घुमाएंगे और दूसरे टूर पैकेज में आपको आ जाएगा उदयगिरी, खंडगिरी, धवलगिरी, नंदनकानन एंड कोणार्क सन टेम्पल। लिए जय जगन्नाथ का नाम लेके हमारा जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये ओटीडीसी का बस का पैकेज आप लोग बुक करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग ऑनलाइन कर ले। अगर ऑन स्पॉट करना चाहते हैं तो पहले दिन ही कर ले जाके, क्योंकि इधर बहुत रश रहता है। और इस बस का टाइमिंग भी बहुत पंचुअल है, सुबह 6:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, लेके शाम का 6:30 बजे ही एंड होता है। ट्रेन लेट था तो हम लोग ओटीडीसी बुक नहीं कर पाए, हम लोग प्राइवेट में बस बुक किए जो एसी बस था और उसका रेंट 480 था पर हेड, तो दोनों के लिए टोटल 960 बिल हुआ था। यह है हमारा बस, चलिए दिखाते हैं आपको हमारा बस कैसे था। इसका पैकेज सिर्फ हमारा बुक था चंद्रभागा बीच, कोणार्क सन टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, उदयगिरी, खंडगिरी, धवलगिरी एंड नंदनकानन के लिए है घूमने का लिस्ट। ये हम लोगों को पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया था। हमारा बस काफ़ी साफ सुथरा था और डिसेंट था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ पूरा दिन के जर्नी में। हमारा गाइड भी बहुत बढ़िया था, हर एक स्पॉट के जाने के टाइम में डिटेल्स बता भी रहा था। हमारा टूर गाइड किधर क्या बार्गेनिंग करना पड़ेगा, किधर क्या जेन्युइन चीज़ मिलेगा, कौन सा स्पॉट में ख़रीदना सही रहेगा, कौन सा स्पॉट में ख़रीदना सही नहीं रहेगा, किधर क्या लेकर जाना पड़ेगा, किधर क्या करना पड़ेगा, हर एक डिटेल हम लोगों को प्रोवाइड किया गया था। ये है हमारा गाइड जो कि बहुत ही बढ़िया था। इस सफर का नाम है गोल्डन ट्रायंगल टूर ऑफ ओडिशा। इसका मतलब होता है ओडिशा के सुनहरा सफर। ये को अप डाउन 240 किलोमीटर वाला सफर है, 3 दिन का सफर, लेकिन आज हम एक दिन का 12 घंटे के अंदर ये सफर खत्म करेंगे। कैसे करें, किसी का कुछ और आइडिया है, खुद का कुछ आइडिया? गाना गा। हर स्पॉट पे आपको जितने भी टाइम दिया जाएगा, टाइम के हिसाब से पकड़िए, बस पकड़िए, बस रुकना पड़ेगा। 3 दिन का सफर 12 घंटे के अंदर खत्म हो पाएगा। इस सफर का कुछ नियम एंड रेगुलेशन होता है। ये नियम कोई हाई कोर्ट का नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये नियम ओडिशा टूरिज्म का है। ये नियम आप लोग का भलाई के लिए बनाया गया है। नियम क्या है तो ध्यान दे के सुनिए। रूल नंबर 1, गाड़ी चलते वक्त शरीर का कोई भी हिस्सा बाहर आना नहीं चाहिए। नंबर 2, ये जो आपको सीट दी गई है ये 12 घंटे के लिए बुक है, 12 घंटे के अंदर कोई भी मेहमान अपना सीट अदल बदल नहीं करेंगे। नंबर 3, कुछ लोगों का आदत होता है गाड़ी में खाना खाने का, खाना खाते हैं बच्चों का तुरंत ग्लास खोल के पार करते हैं। सकने से क्या होगा, हमारे जो सुने सफर शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं। कैसे, क्योंकि पीछे बसा लोकल आदमी यातायात रहते हैं, किसके ऊपर पड़ जाएगा, वो आएगा गाड़ी रोकेगा, आपको गाली करेगा, आपसे पैसा वसूल करेगा। इसीलिए खाना खाइए, बिंदास कोई को मना करने वाला नहीं है, लेकिन बचा हुआ सामान को अपने सीट के नीचे अपने पैर के पास रखिए, अगले स्टेपेज पर डस्टबिन देख के आपको डाल देना है। नंबर 4, गाड़ी के अंदर किसकी उल्टी या वोमिट आती है तो अपने पास दवाई या पॉलिथीन रखिए, गाड़ी को गंदा मत कीजिए। नंबर 5, सबसे इम्पोर्टेंट वाला बात है, हम जहाँ भी जाएंगे घूमने के लिए सभी जगह आदमियों से ज्यादा गाड़ियों का मेला आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक मालिक का 10 गाड़ी, 12 गाड़ी, 25 गाड़ी होती है। एक स्पॉट पे आपको 200 से 250 बस आपको देखने को मिलेगा। गाड़ी का नाम, कलर, डिजाइन सब कुछ एक होता है, तो गाड़ी का क्या अलग होता है? नंबर। इसीलिए सभी के पास गाड़ी का नाम, गाड़ी का नंबर और गाइड का नाम और गाइड का नंबर सभी के पास होना जरूरी है, थोड़ा नोट कीजिए। 5, मेरा नाम है अनुज दीक्षित,
दिन भर में 12 घंटे के लिए दीक्षित जी चाहे अनुज जी जो भी मिला सकते हैं। ट्रू कलर में आएगा अनुज पूरी गाइडलाइन, ठीक है? आगे सभी के पास मेरा नाम नंबर आगे सभी के पास। चलिए उससे भी और एक इम्पोर्टेंट बात है, अपना अपना कीमती सामान। कीमती सामान क्या होता है? और साथ वाले, ठीक है। सोना चांदी फोन पैसा कैमरा लैपटॉप ये सब आओ बच्चे, ये सब आप लोग का कीमती सामान होता है। सामान में बच्चे नहीं जाएंगे, ठीक है? ये सब आप लोगों का कीमती सामान होता है, ये सब आप लोग की जिम्मेदारी में। जो भारी सामान है वो हमारी जिम्मेदारी में, इसलिए जहां भी जाएंगे घूमने के लिए अपना कीमती सामान को साथ में लेके चलेंगे, भारी सामान को गाड़ी में छोड़ के चलेंगे, ठीक है? और एक बात है, किसी का 5 लोग है, किसी का 8, किसी का 6, किसी का 3, किसी का 2। मैं इतने एक दिन के लिए इतने सारे मेहमानों का नाम याद नहीं रख पाऊंगा, आप रख पाएंगे इतने सारे मेहमान का नाम? इसीलिए आज हम एक दिन के लिए एक परिवार है, एक ग्रुप है। अपना परिवार का कुछ नाम होना चाहिए जो कि हम पहचान हो दिन भर में। अपना परिवार का नाम है लक्ष्मी परिवार। ये नाम से आपका सरदीन जी हर जगह पे आपका बुकिंग टिकट हो सकता है, सिक्योरिटी गार्ड बुला सकता है, फोटोग्राफर बुला सकता है, गाड़ी वगैरह भी उनको बुला सकते हैं। इसीलिए अपना परिवार का नाम भी नोट कर लीजिए, लक्ष्मी परिवार, लक्ष्मी फैमिली जो भी है। और एक बात है, हर स्पॉट पे जितना भी टाइम जाएगा, कहीं पर 1 घंटा, कहीं पर आधा घंटा, कहीं पर 40 मिनट, कहीं पर 10 मिनट, कहीं पर 40 आधा घंटा, जितना मिलता है हर स्पॉट पे आपको टाइम के हिसाब से आपको गाड़ी के पास घूम जाना पड़ेगा। अगर कोई मेहमानों का आने में लेट हुआ, भैया और भाभी ये तो काकार काकी आने में लेट हुआ, हम उनके लिए अपने कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा 5-6 मिनट इंतजार करेंगे। अगर वो 5 मिनट के अंदर उनका कोई भी रेस्पॉन्स, कोई भी मैसेज मेरा पास नहीं पहुंचा तो मैं क्या सोचूंगा, भैया और भाभी की थोड़ी जगह थोड़ा पसंद आ गया, ये तो काकार काकी थोड़ी जगह थोड़ा पसंद आ गया, वही वहाँ वो वहाँ रहना चाहते हैं, सिर्फ वहाँ रहना नहीं, भाभी जी के लिए जमीन खरीद के मकान बनाकर रहना चाहते हैं। इसीलिए उनका डिस्टर्ब ना करते हुए हम बाकी मेहमान को लेकर के अगले स्टॉप पे हम चले जाए, क्योंकि एक मेहमानों के लिए हम 40 मेहमान का सफर हम बर्बाद नहीं करें, क्योंकि 9 छपे हो जाएगा। उनके लिए दूसरा ऑप्शन है, पिछले टूरिस्ट गाड़ी पर दोबारा किराया दे करके अगले स्टॉप पर हमारे साथ तक मिलना पड़ेगा, ठीक है? और एक बात है, आपको हर स्पॉट पे आपको लेडीज टॉयलेट वॉशरूम आपको देखने के लिए मिलेगा, हर सफर का पूरा नियम एंड रेगुलेशन। और 3 छोटा मोटा बात है, मान लिए कोई भी आज 12 घंटे के अंदर कोई भी मेहमान शराब और स्मोकिंग ये सब बंद है, पकड़े जाएंगे तो 300 रुपये से ज्यादा फाइन कर सकता है। एक दिन के लिए शराब और स्मोकिंग बंद, 300 रुपये से ज्यादा फाइन कर सकता है। और एक बात है, कोई भी स्पॉट पर कोई भी मेहमान कैमरामैन से फोटो खींचते हैं, फोटो खींचने के बाद आपको पैसा देने का नहीं, सिर्फ गाड़ी का नाम नंबर और अपना सेल नंबर देके चले आएंगे। फोटो पाने के बाद पैसा देने का, पहले पैसा देने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पहले पैसा देंगे तो क्या होगा, आप उनको इंतजार करके खड़ा रहेंगे फोटो पाने के लिए, लेकिन गाड़ी आपको इंतजार नहीं करेगा। अगर बाद में पैसा देते हैं तो क्या होगा, वो आपका टाइम से पहले आपको इंतजार करके खड़ा रहेगा फोटो पाने के लिए। इसीलिए फोटो खींचने के बाद सिर्फ गाड़ी का नाम नंबर, अपना सेल नंबर, ठीक है? और एक बात है, कोणार्क के पास कोई भी मतलब काजू के दुकान के सामने मुझे कोई भी मेहमान मुझे काजू के बारे में पूछेंगे नहीं। आमरा बैक टू बैक गोरखपुर के साइड सीन स्पॉट। ये बस का टाइमिंग था सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक। लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए और कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बताइए। हम लोग बैक टू बैक सारे साइट सीन स्पॉट्स के अलग अलग वीडियो लेकर आने वाले हैं एमडी के व्लॉग में, सो कीप वॉचिंग। सिर्फ साइट सीन ही नहीं, जगन्नाथ पुरी धाम से लेकर समुंदर का सारे व्लॉग लेकर आने वाले हैं एमडी के व्लॉग में। और आज का वीडियो कैसे लगा वो भी कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।